बढ़ रही है, जिसका परिणाम स्वरूप पूर्व के सांसद मान्य जी रहे हैं, वर्तमान के विधायक जी रहे हैं, जिनके कार्यकाल में, जिनके नेतृत्व में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो भूतो में भविष्यति, जो कभी कतई संभव नहीं था। भाई इस समय तो जो स्थिति चल रही है, लोग महंगाई 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 की बात करते हैं। भाई महंगाई तो एक जगह अभी तत्काल मामला चल रहा है, जहां पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान, वहां पे कुछ महंगाई नहीं, पेट्रोल फ्री, वहां पर पेट्रोल फ्री मिलता है। हम लोग क्या क्या चिल्लाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, अरे पेट्रोल इतना महंगा हो गया। स्वाभाविक है, जब हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं होता है, दूसरे देश से जब हम मंगाते हैं, स्वाभाविक है महंगा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहां फ्री में पेट्रोल है, जहां पर न कोई बजरंगी है, न कोई आरएसएस वाला है, न कोई भाजपा वाला है, नहीं कोई बाबू है, न बाबा है, न ब्राह्मण है, सिर्फ एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक वर्ग के लोग रहते हैं, जो किसी अन्य संप्रदाय को कभी पसंद नहीं करते। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसके नाते, क्योंकि प्रकाश डालने की जरूरत है। जो हमारे सामने में जो बच्चे बैठे हैं, आज देश के भविष्य है, इनको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के लोग हैं जो लगातार बरगलाते हैं ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को, ऐसे नौजवान भाइयों को। कहने का अभिप्राय यही है कि वहां तो पेट्रोल फ्री में है, लोग जाने के लिए फ्लाइट भी फ्री में है, वहां से लोग आते हैं, यहां से फ्लाइट फ्री में जाती है, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां कोई महंगाई नहीं है, फ्री में पेट्रोल मिलता है। जो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और हम लोग जैसे लोग जो अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, वहां बहुत सस्ता है, 3-4 लाख रुपए में, या 50 और 60 लाख रुपए में, वहां भी महंगाई नहीं है। लेकिन वहां से लोग नहीं, ये गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है, वहां से लोग भाग क्यों रहे हैं? वहां से लोग, जो हमारी बहने, मैं देखता हूँ जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, बताओ, वहां खाली एक ही वर्ग के लोग हैं, और उन्हीं के परिवार को बहने हैं, उन्हीं के परिवार को बेटी है, उन्हीं के परिवार को माँ है, फिर भी उनको गुहार लगाना पड़ा है, कोई बचाने वाला नहीं है, सब कुछ फ्री है वहां पे। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है,